आप देख रहे हैं टॉक हिंदी न्यूज। दोस्तों, रात में झाड़ियों से आ रही आवाज सुन भागे लोग, सुबह सामने आया ये सच। झाबुआ के कल्याणपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम एजनपुरा में तालाब की नहर की पाल पर शनिवार सुबह एक नवजात मिला। उसे जिला अस्पताल के SNCU में भर्ती कराया है। शिशु रोग विशेषज्ञ के अनुसार फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर है, उसे सुपरविजन में रखा है। शुक्रवार रात बच्चे की आवाज सुन महिला ने जब लोगों को बुलाया तो आवाज सुन सभी वहां से भाग गए थे। पढ़ें, सुबह महिला पहुंची तो दिखा नवजात। मिली जानकारी अनुसार गांव के तड़वी फलिया में तालाब बना है। पास ही ग्रामीण रूपा मकवाना का खेत है। रूपा की पत्नी मीरा रात करीब 8 बजे खेत में पानी दे रही थी। इस दौरान उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आया। ऐसे में उसने ग्रामीणों को बुलाया। बच्चे के रोने की आवाज लगातार आ रही थी, जिसके चलते ग्रामीण डर गए और सभी लोग अपने घर लौट गए। झाड़ियों के पीछे से आवाज सुन मीरा लौट तो आई, लेकिन रात भर सो नहीं सकी। सुबह होते ही उसने अपने पति रूपा से कहा कि हो न हो कोई बच्चा छोड़कर गया है। इसके बाद वह पति को लेकर वापस अपने खेत पहुंची। आसपास खोजबीन की तो तालाब की पाल पर शॉल में लिपटा नवजात मिला। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। मौका पंचनामा बनाने के बाद मीरा और उसका पति रूपा बच्चे को लेकर जिला अस्पताल आए। यहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए SNCU में भर्ती कर लिया गया। 1.5 किलो है वजन, बच्चे की हालत गंभीर। जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन बावनिया के मुताबिक नवजात बालक 2-3 दिन का है। उसका वजन 1 किलो 600 ग्राम है और वह काफी कमजोर है, उसे सुपरविजन में रखा है। बच्चे को गोद लेंगे हम। नवजात को जिला अस्पताल लेकर आई मीरा ने बताया उसके बेटे की शादी हुई, लंबा वक्त हो गया लेकिन कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वह अपने बेटे के लिए इस नवजात को गोद लेगी, फिर चाहे इसके लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया करना पड़े, जरूरत पड़ी तो अपनी संपत्ति भी बच्चे के नाम कर देगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।